फ्रेंड्स वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स अभी का वीडियो है थारा बाय जोगिंदर द एंड। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं, पता करते हैं क्या हो रहा है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर और ट्विटर में हमें फॉलो करिए, जब भी हमारे कोई नए वीडियोस पब्लिश होते हैं उसमें नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। I ain't got cash but I got you baby. Oh. Baby I don't need dollar bill to have fun tonight. Baby I don't need निश्चय थारा भाई निश्चय। आप लोगों को याद होगा आज से दो हफ्ते पहले मैंने थारा भाई जोगिंदर पर एक वीडियो बनाई थी। एक्चुअली वो वीडियो थारा भाई जोगिंदर पे भी नहीं थी, वो वीडियो फेसबुक के कुछ मसीहास पे थी। मैंने उस वीडियो में थारा भाई जोगिंदर के बारे में सिर्फ 3 मिनट बात करी थी गिनती के, लेकिन मुझे पता था उस वीडियो का वो ऑब्वियसली रिप्लाई देगा जो कि उसने दिया। आ गया। यस भाई तेरी और कमी बची थी, तूने भी वीडियो बना दी। चल मानता हूँ तू वीडियो में गाली नहीं देता, इसलिए मैं तेरे को आप करके बात कर रहा हूँ, रिस्पेक्ट देके बात कर रहा हूँ। परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन। 12 seconds later। हर परिवार में एक या दो बच्चे मिलेंगे छोटे छोटे 12 साल के 15 साल के। बिल्कुल वो लोग आपकी वीडियो देखते हैं, अपनी वीडियो में देखा करो तुम लोग कैसे माँ बहन की गालियां बकते हो वीडियो में। क्या फर्क पड़ेगा उनके ऊपर, क्या सोचेगा वो लोग जिनके दो दो साल के बच्चे तुम अपने मम्मी पापा के सामने कोई गाली वाली वीडियो दे सकते हो यूट्यूब की। क्या बोली जा रहा है ये बंदा, वीडियो की स्टार्टिंग में खुद बोलता है कि तूने वीडियो में कोई गाली नहीं दी इसीलिए मैं तुझे इज्जत देके बात कर रहा हूँ, और 5 मिनट बाद तुम सारे यूट्यूबर्स की वजह से देश खराब हो रहा है, तुम गाली देते हो, बच्चे बिगड़ रहे हैं, देश की तरक्की नहीं हो रही, उन्नति नहीं हो रही। तू मेरी वीडियो का रिप्लाई दे रहा है ना तो छाती पीटते पीटते 4-5 बार यही बोल देता तेरे जोक्स अनफनी है, तू ले मैं वगैरह वगैरह, तो भी मैं मान लेता। गाली तो यार मैंने खुद ही नहीं दी अपनी वीडियो में कभी। यार इंस्टाग्राम भी कोई प्लेटफॉर्म है, ये लोग जो इंस्टाग्राम पे छोटी छोटी शॉर्ट वीडियो बनाते हैं फेसबुक वगैरह पे, पता है ये लोग कितनी मेहनत करते हैं। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक पॉइंट बोला था कि जिन लोगों को लगता है कि टिकटॉक और ये रील्स वगैरह बनाने में मेहनत लगती है जोगिंदर उनके लिए भगवान है। तो जोगिंदर का रिप्लाई, तुम तो अपना रोस्ट मार देते हो फिर तुम ऊपर से बोल देते हो ये छोटी वीडियो बनाने वाले ये गंदगी फैला रहे। किसने गंदगी फैला दी भाई, एक वीडियो बनाने के लिए कम से कम 5 या 10 मिनट भी लगते हैं सपोज करो, ठीक है या दिन में 10 वीडियो बनाते हैं, इनका पूरा दिन खत्म। 10 वीडियो 10 मिनट लगे भाई। जोगिंदर बेटा कहाँ तक पढ़े हो? 10 बजे तक। 10 बजे तक 9 बजे स्कूल शुरू हुआ, जब 1 घंटा हो गया तो प्रिंसिपल साहब समझ गए घंटा में कुछ पढ़ सकते। देखो गाइस इसीलिए कहते हैं कि स्कूल में पढ़ाई लिखाई कर लेनी चाहिए वरना यही नतीजा होता है। जोगिंदर के अकॉर्डिंग अगर एक टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए 5 मिनट लगते हैं और एक टिकटॉकर ऐसी 10 वीडियोस बनाता है तो बताओ टोटल टाइम टेकन कितना हुआ। जोगिंदर के लिए हो भी सकता है क्योंकि तारा भाई जोगिंदर कोई आम पुरुष थोड़ी ना है। महापुरुष। एंड दूसरी बात क्या थी, तुम तो अपना रोस्ट मार देते हो फिर तुम ऊपर से बोल देते हो ये छोटी वीडियो बनाने वाले ये गंदगी फैला रहे। नहीं नहीं भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है, बड़ी वीडियोस बनाने वाले भी क्रिंज फैलाते हैं। भूकंप आ गया, धरती ऊपर नीचे हो रही है। बुद्धू भूकंप नहीं टायर पंचर हो गया। तू मेरे फेफड़े फाड़ रहा है, मेरे अंदर घुस जा। हाँ भाई पहचाना ही नहीं। आगे स्वाद। मेरी नजरों में ना एक यूट्यूबर है, रिस्पेक्ट करता हूँ उसकी दिल से, मैं दिल से सल्यूट है उस बंदे को। कौन है वो जिसने आज तक अभी गाली नहीं दी? ऐसा कोई कंटेंट नहीं बनाया जिससे बैठ के फैमिली ना देख सके। मैं अमित बढ़ाना। हाँ वो भी है बिल्कुल। उस भाई का चैनल खोल लेना एक बार, मैंने आज तक नहीं देखी उस भाई की वीडियो फिर भी। ये बंदा के सर के बल गिर गया था बचपन में, इसकी बातों में कोई सेंस ही नहीं है। अरे मेरा फेवरेट यूट्यूबर है जिसकी मैं दिल से इज्जत करता हूँ अमित बढ़ाना, पर आज तक मैंने उसकी कोई वीडियो नहीं देखी। तो फिर क्या समझता कोई लॉजिक तो बना अपनी बातों में। मैं भी अमित भाई की इज्जत करता हूँ क्योंकि मैंने एक्चुअली में उनकी वीडियोस देखी है, इसकी तरह नहीं। मेरे फेवरेट यूट्यूबर है घनश्याम भाई घनचू, क्योंकि वो जो है वो है और मेरे को पता नहीं है कौन है पर वो है। कोई सेंस है इस बात की? अगली बार रोशन मार दियो समझ गया। ओ कात में चल निकाल अब।
व्हाटएवर, मुझे भाई बंदे की शक्ल देख के पसीना निकल रहा था और कैसे फ्रस्ट्रेट होकर भाई ऐसा हो रहा है भाई वैसा हो रहा है, थोड़ा सा इस पे तरस आया तो मैंने क्या करा इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगाई। मैं चाहता हूँ कि अभी हम ना उसके पोस्ट पे जाएंगे एंड वहां पे सारे रेड हार्ट स्पैम कर देंगे, क्योंकि आज तक जब भी उस पे वीडियो बनी है लोगों ने जाके सिर्फ गालियां दिया उसको। तो आई वॉन्ट के एटलीस्ट उसको ये रहे कि ट्रिगर्ड आदमी जो है वो बहुत प्यारी है, बिकॉज वो तुम हो। तो वहां पे जाने पे जाओ और बस रेड हार्ट स्पैम कर दो। एंड भाई ट्रिगर्ड आर्मी तो है ये, ओपी है भाई, बिल्कुल रेड कर दिया इसका पूरा कमेंट सेक्शन, हार्ट से भर दिया। लेकिन पता नहीं इस भाई टेढ़ी बुद्धि को क्या हुआ, अगले दिन एक और वीडियो डाल दी इसने। हाँ भाई कंगारू, तेरी कमी बची थी बस खाली, तू भी YouTube पे आ गया। जोगिंदर ना स्कूल में वो लॉलीपॉप चूसने वाले उन बच्चों की तरह है, जिनको अगर तुम बोल देते ना तू गंदा तो वो सामने से कहते नहीं तू गंदा। मैंने इसको खच्चर बोल दिया, जिसके रिस्पॉन्स ने अभी मेरे को कंगारू बुला रहा है। वो बात अलग है, मैं लगता भी हूँ काफी कंगारू जैसा, गजब बेइज्जती है, बट कंगारू सर क्यूट दो, स्टिल बेटर देन अ खच्चर। आराम से और अपनी औकात में, समझ गए, औकात औकात बता दूंगा तुम्हें मैं। आज बवंडर आएगा, बवंडर कान खोल के सुन लियो, ट्रिगर इंसान समझ गया, बवंडर आएगा, बवंडर कान खोल के सुन लिए, थारा भाई जोगिंदर की ऑलमोस्ट 100 वीडियोस देखने के बाद मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं कि थारा भाई जोगिंदर का कंटेंट है, थारा भाई जोगिंदर इतना ये कर देगा इतना वो कर देगा जो किसी ने सोची नहीं होगी। और जब इस पे कोई वीडियो बना देता है तो उसके रिप्लाई में इसकी डिक्शनरी में सिर्फ 3 शब्द है, छपरी, बवंडर और औकात। छपरी यूट्यूबर आ, बवंडर आएगा, तेरी औकात क्या है, बस इसके अलावा इसको कुछ नहीं आता। जोगिंदर थारा भाई जोगिंदर आज बवंडर लेके आएगा, बवंडर आएगा, थारा भाई जोगिंदर बवंडर आ गया। अबे यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे तो हटता रहता, जा यहाँ भी जाते अगले औकात औकात तारा भाई जोगिंदर दाल रोटी नहीं खाएगा, तारा भाई जोगिंदर सिर्फ पिज्जा खाएगा, पिज्जा अभी थप्पड़ खाएगा जो जोगिंदर, तारा भाई जोगिंदर की मम्मी ने पिज्जा नहीं खाया, अब बवंडर आएगा थप्पड़ खाएगा, बवंडर आएगा, बवंडर तारा भाई जोगिंदर हर जगह से इतनी बेइज्जती कराएगा, इतनी बेइज्जती कराएगा किसी ने सोची नहीं होगी। वो कंगारू अपनी हालत देख लो ऊपर से नीचे तक, रोटी वोटी खाएगा टाइम पे, समझ गया, दूध दाँत पी लेकर ठीक है, अपने शरीर में कुछ डाल ले अंदर कंगारू। तेरी हड्डी दिखती है तो बोलता है, मुंह के भी हड्डी दिखती है, तू बोलेगा मेरे को। जोगिंदर भाई थैंक यू सो मच फॉर द अमेजिंग हेल्थ एंड डाइट टिप्स, बट आई थिंक मैं अपने 92 केजी वेट और 6'2" हाइट के साथ काफी खुश हूँ जीवन में, एंड जस्ट बिकॉज मैं ऐसे बैठ के वीडियोस बनाता हूँ तो लोगों को लगता है कि मैं काफी टिंगू सा हूंगा शायद और बहुत कमजोर सा हूं, बट नहीं, एक्चुअली मैं थोड़ा सा ओवरवेट हो चुका हूँ लॉकडाउन में घर पे बैठे बैठे। एंड जो आप ये हड्डी की बात कर रहे हैं इसको जॉलाइन कहते हैं लोग, इसके लिए एक्चुअली मैं जिम में काफी कसरत करते हैं। हैशटैग जॉलाइन प्ले, जॉलाइन चेक। मेरी आंख देख ला, रात को डर जाएगा सपने में, तू मेरे को बताएगा रोस्ट किसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं रोस्ट, समझ गया। जोगिंदर इतना बड़ा रोस्टर है कि कैरी मिनाटी अपनी वीडियो की स्क्रिप्ट इससे लिखवाता है, जोगिंदर इतना बड़ा रोस्टर है कि साइमन सेज ने रोस्टिंग करना इससे सीखा, जोगिंदर इतना बड़ा रोस्टर है कि हद बिसी ने वीडियो से डालनी बंद कर दिया, जोगिंदर इतना बड़ा रोस्टर है कि इसको लगता है कि कैमरा के अंदर घुस के बड़ी बड़ी आंखें करके औकात कहते रही, परमिशन किससे ली, बवंडर आ जाएगा, ये 3 बातें रिपीट करना इसको रोस्टिंग लगता है। जोगिंदर ये रोस्टिंग नहीं होता, अगर ये रोस्टिंग होती तो मैं दुनिया का नंबर 1 रोस्टर होता और तू दुनिया का सबसे बड़ा गधा होता, और मैं एक साथ में बहुत ज्यादा बोल गया हूं। तू फिर भी गधा ही है, तेरे शरीर में ना इतनी जान नहीं है ठीक है, जितना थारा भाई जोगिंदर के अंदर जान है, तू रोस्ट मारेगा कम से कम शरीर देख के तो बात कर लेता, शरीर देख के तो रोस्ट मार लेता। ओके भाई जोगिंदर, अगली बार किसी पे वीडियो बनाने से पहले उसका हाइट वेट, उसकी जन्म कुंडली, उसकी हाथों की रेखा, एस्ट्रोलॉजी, जोडियाक साइन और बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह सब चेक कर लूंगा ठीक है। एनीवेज तो ये वीडियो भी इसने डाल दी, मैंने कहा क्या ही फर्क पड़ता है, ये तो बावला है कुछ भी बोलता रहेगा, मैंने इग्नोर किया। अगले दिन भाई ने एक और वीडियो डाल दी, कह रहे कि मैंने इसके स्ट्राइक मार के वीडियो डिलीट करवा दी इसकी। तुम्हारे अंदर कल है, इनकी स्ट्राइक देख लियो भाई, इनकी करतूत जो लोग इनको फॉलो करते हैं। आहा, स्क्रीनशॉट ले लियो जिसने भी स्ट्राइक मारी है ये वाली, समझ गए।
या तो ये बंदा बहुत ज्यादा अच्छी एक्टिंग कर रहा है कि बहुत बड़ा मूर्ख है, या फिर सच्ची में इसकी अक्कल वाले माले में कुछ है ही नहीं है। कैप्शन कंप्लेंट दिखा रहा है। तुम्हें पता कैप्शन कंप्लेंट क्या होती है? वीडियो के नीचे जो सबटाइटल होते हैं ना, अब जैसे मैं हिंदी में वीडियो बना रहा हूं, ठीक है, तो मेरी वीडियो के नीचे अगर सबटाइटल्स नहीं होते तो जिनको हिंदी नहीं समझ आती वो लोग क्या करते हैं, एक कंप्लेंट कर सकते हैं यूट्यूब को कि इस वीडियो पे कैप्शंस नहीं है। वो होती है कैप्शन कंप्लेंट, वो स्ट्राइक नहीं होती, वो कुछ भी नहीं होता। ये उसका स्क्रीनशॉट दिखा रहा है कि स्ट्राइक मार दिया मैंने इसके। बेवकूफी का कोई इलाज ही नहीं। जोगिंदर की वीडियो डिलीट कराई यूट्यूब पे से, देख। अबे अंग्रेज एक बार पढ़ तो लेता नीचे क्या लिखा हुआ है। अब ओ सॉरी, उसको पढ़ना नहीं आता होगा ना गाइस, सिर्फ 10 बजे तक ही स्कूल गया था वो। दूसरी एक वीडियो पे दूसरा चैनल पे स्ट्राइक आ गई है, देखो भैया। अब आया मजा, तुम्हारी औकात ये है ना। कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, यूट्यूब मारता है, क्रिएटर नहीं मार सकता। पढ़ तो लेता है यार, तो फिर वही बात आ जाती है, पढ़ाई लिखाई करी नहीं ना, स्कूल जाया करो बे, ऑनलाइन क्लासेस में जाया करो, अटेंड किया करो। जितने भी पेरेंट्स ये वीडियोस देख रहे हैं, आज के बाद जब भी आपके बच्चे पढ़ाई ना करें उनको जोगिंदर दिखाना, पक्का पढ़ने लग जाएंगे। उनको बोलना बेटा पढ़ ले वरना ऐसा हो जाएगा। और इतने सबके बाद अगले दिन इसने एक और नई वीडियो डाल दी मुझ पे। तूने अपनी औकात दिखा दी ना मेरे को, मेरे को नहीं, तूने अपनी पब्लिक को अपनी औकात दिखाई है। तेरी औकात है क्या मेरे से बोलने की? तेरी औकात अपनी औकात में रहकर देर को बोल रहा हूँ। पता नहीं तुमने नोटिस किया है नहीं किया है, पर इस बंदे को औकात वर्ड कुछ ज्यादा ही पसंद है। जो 4 रिप्लाई वीडियो इसने मेरे पे बनाई है, मैंने गिनाया, इसने 53 times औकात वर्ड बोला है। मेरी औकात, तेरी औकात, औकात क्या है तेरी, सबको औकात दिखा दूंगा तेरी। मेरी औकात सोशल मीडिया पे देख लो, औकात 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 क्या हमें छापरी। तू मेरे को औकात बताएगा? ओ 12वीं फेल, तेरी औकात मेरे को पता है, तू 12th में फेल है, पास था, जाके अपनी वो रिक्लियर कर पहले 12वीं की। तू मेरे को औकात की बात करेगा? क्या औकात है तेरी? 12वीं फेल है तू, ये तेरी औकात है। देखो गाइस मैं फ्लेक्स नहीं कर रहा, लेकिन ये 10 बजे तक पढ़ा हुआ लड़ना मुझे 12वीं फेल बोल रहा है। अबे मेरे जितने नंबर थे तेरे जैसे 2.5 लौंडे पास हो जाते, 3 तो नहीं होते पूरे, 2.5 हो जाते। और जिस कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन करी है ना, वहां रहने देता हूँ, वरना इसके और मेरे बीच में कोई फर्क नहीं रहेगा कि औकात औकात कंपेयर। कान खोल का बात सुन लिए, इतना तगड़ा बवंडर लाऊंगा रात को सोएगा ना चश्मा तार के, भूकंप के झटके दिखेगा बेड पे, ये क्या हो रहा है? फिर समझिए थारा भाई जोगिंदर आ गया है, तू मेरे को औकात की बात करेगा? क्या औकात है तेरी? 12 मिनट की वीडियो में ये बंदा सिर्फ औकात औकात औकात, तेरी औकात मेरी औकात। भाई तू है बहुत बड़ा आदमी, मैं हूँ 2 rupee पीपल, मैंने मान लिया मेरी कोई औकात नहीं है। पर ऐसे सोशल मीडिया पर अगर तुम क्रिंज फैलाने वाले काम करोगे तो तुम पे वीडियो बनती रहेगी। इतना तो जलील आमिर सिद्दीकी भी नहीं हुआ था यार, वो भी एक बार चुप हो ही गया था। ये बंदा ये बनाएगा और रिप्लाई बनाएगा। लेकिन देखो गाइस, दिस इज माय लास्ट वीडियो ऑन दिस। इसके बाद मुझे भाई इंस्टाग्राम पे या कहीं पे डीएम करके ये मत बोला ओ देखो इसने आप पे एक और वीडियो बना दिया, क्योंकि ये कुछ नहीं करेगा। उस वीडियो में भी बवंडर ले आऊंगा और जोर जोर से चीखेगा चिल्ला। तो ओ माय गॉड, मुझे तो लग रहा है कुछ एक्सट्रीम ही लेवल पे जाने लग गया था। पर मुझे ये देख के काफी वो हुआ कि देखो इन्होंने बनाई, उसके बाद उसने एक बनाई, फिर दूसरी बनाई, तीसरी बनाई, बार बार बनाई, मतलब जान पूछ के, ताकि ये भाई जवाब दो, भाई जवाब दो कहीं, मुझे तो यही समझ में आ रहा था। नहीं तो एक बना दी फिर बस कर देते। पर जो दिखा रहे थे कि मुझे स्ट्राइक मिल गई, तो जब ये बोले कि भैया स्ट्राइक नहीं है, वो नीचे कैप्शनिंग का कुछ है, तो आपको स्ट्राइक कैसे हो गई? फिर वो मेरे को वो कह रहे कि भैया कैसे आप बोल रहे हो स्ट्राइक हो गई, पर दिखाया कि किसी और वीडियो पे स्ट्राइक मिली है, पर वो कह रहे कम्युनिटी गाइडलाइंस जो है वो क्रॉस की है। अब भाई ये नहीं मुझे पता कि कम्युनिटी गाइडलाइंस क्रॉस की है ये कौन करता है। आप कंप्लेंट करते हो कि यूट्यूब अपने आप देखता है, वो तो हमें भी नहीं पता है। और उन्होंने उसमें ऐसा क्या बोला जिसकी वजह से वो मिला, वो तो हमें पता नहीं है। पर ये कुछ थोड़ा एक्सट्रीम में ही ऐसे लग रहा जा रहा था। लाइटर सेंस में होना चाहिए कि वो भी लाइटर सेंस में बोले कि ठीक है ये भी बोले, इतना एक्सट्रीम में करने की जरूरत नहीं है। और अगर उनको वैसी वीडियोस बनाने में अपना मजा आता है तो कोई कुछ कर नहीं सकता, वो तो व्यूअर्स को डिसाइड करना चाहिए कि आप क्या देखना चाहते हो। पर इन्होंने काफी मेरे को हैरानी होती, कह रहे थे कि आप गाली नहीं देते, वो नहीं देते, और दूसरी साइड में फिर वो बोल रहे हैं कि तुम गाली देते हो, यूट्यूबर्स गालियां देते हो, ये करते हो। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अपना ही बोलावे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। पर अच्छा मजेदार वीडियो बनाया था, पर मुझे बड़ा वो परेशानी होती, इतना जो ठोक ठोक के बोलता है उसको तो दर्द बहुत होता है। मैंने ये देखा था कि वो ठोक रहा है थैंकफुली राइट हैंड साइड पे, राइट साइड जहाँ हार्ट नहीं। अच्छा, तो ये है कि एटलीस्ट तबीयत खराब नहीं हुआ। मतलब तो भाई जोगिंदर करके
हार्ट में कुछ नहीं हो रहा था, यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है, बट इट इज गुड कि लेफ्ट साइड नहीं मारा। अगर ऐसे मान रखे तो वाकई कुछ हो सकता है, सारा बना तो दैट इज गुड। अब ये है कि ये ईगो की प्रॉब्लम है दोनों तरफ, हर इंसान को ईगो की, ईगो बीच में आ जाता है कि तूने ये कहा मैंने ये किया, तो ईगो बीच में आ रही है, हर इंसान की अपनी ईगो है। और दोनों पब्लिक में कर रहे हैं, तो पब्लिक में जब करते हैं कुछ बुरा बोलते हैं, फिर वो आप कुछ उसे बोल देते हैं तू गधा है ये है वो है, फिर वो बोलता है, तो मेरे ख्याल से वो सारी प्रॉब्लम यहीं क्रिएट हो रही कि पब्लिक में आप फाइट कर रहे हैं, आप जो है एक दूसरे को मतलब ऐसा बोल रहे हैं, साथ में औकात बहुत सारी चीजें चल रही हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ बुरा हो गया। प्लस और भी व्लॉगर्स हैं, वो थगेश का देखा था, थगेश भी इनका कर रहे थे। मगर इशू ये है, जहां तक मुझे लगता है, मुझे जहां तक लगता है कैसे हैंडल करना चाहिए, अगर आप बहुत बड़े व्लॉगर हैं, और जहां तक पता लग रहा है ये मिस्टर जोगिंदर काफी छोटे व्लॉगर हैं, तो आपको रिस्पॉन्स करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके मिलियंस और मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं और मिस्टर जोगिंदर के थोड़े से सब्सक्राइबर्स हैं, तो आपको क्यों रिस्पॉन्ड करना, ठीक है उनको अपनी ओपिनियन, आप आगे बढ़ती है जाइए, अपने कंटेंट में फोकस करिए, आप आगे चलिए। अगर कोई, मगर आप लोग में से कई बोलेंगे अगर आपको बुरा कहा, कोई भी इंसान अगर किसी को बुरा कहता है तो आपको रिस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं होती, मेरा तो ऐसा ही सोचना है। आप बताइए आपका क्या है कि अगर कोई भी आपको कहीं कुछ बोल देता है, क्या आप परवाह करते हैं उसकी? नहीं, मेरे हिसाब से तो मैं ज्यादा परवाह नहीं करता, क्योंकि उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो आप हैं वो तो हैं, वो चेंज नहीं हो सकता। तो आपकी क्या ओपिनियन बताइए। हाँ, पर मुझे इसमें ये अच्छा लगा था, इन्होंने कहा था कि सब रोस्ट करते हैं फिर उनको कमेंट्स गंदे आते हैं, आप वहां जाके उनको हार्ट दो। तो इतने सारे हार्ट मिलने के बाद, मतलब इट वॉज टू शो कि भैया रोस्टिंग मतलब उस टाइप से एनिमिटी नहीं कर रहे हम, तो हार्ट भेजे। तो फिर उसके बाद उनको ये वीडियो ऐसी बनानी क्यों बनाई, उन्होंने समझ नहीं आया मुझे, पर पता नहीं। अब चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।